नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे 260 को लेकर मैं अभिमन्यु व्यास एवी स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन से आप लोगों के साथ में हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया उसके लिए, और ड्यू टू सम रीजंस जो कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा ऐसे 260 है, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा ऐसे है, बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं देंगे। एक या दो क्वेश्चन अच्छे हैं जो कि बन सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे 260 जैसा कि हमारा पैटर्न है, सबसे पहले एक स्मॉल समरी दिया गया है। ये समरी भी नहीं है, दिस इज ओनली आउटलाइन, जिससे कि हमें पता चले कि आगे हम किस चीज के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्या क्या डिस्कशन में डिस्कशन का पार्ट होगा। ओके सो शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। ओके किससे डील करता है ये ऐसे 260? कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में डील करता है। TCWG क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट होता है जिसका एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके जिसको ये सारा जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी विजन मिशन है कंपनी का, वो सारा का सारा जो होता है वो किसको पूरा करना होता है, इंप्लीमेंट किसको करना होता है, मैनेजमेंट को करना होता है। ओके सो तो मैनेजमेंट को अगर वो करना है तो मैनेजमेंट कौन हुआ? सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट कौन है, पर्सन विद द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके वो पर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वो होगा कौन? मैनेजमेंट। और उसके बाद TCWG कौन होगा? तो TCWG कौन होता है ये नीचे लिखा हुआ है, पर्सन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसींग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। कैसे? कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी है। एक बात बताओ, जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो मैनेजमेंट में होता है, मतलब मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम ऑडिट कमेटी की बात करें, ओके तो उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। और अगर मैं वो सेबी के प्रोविजंस की बात करूं तो 2/3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो जो है वो क्या करेगा, सुपरविजन करेगा उन फंक्शंस का, उन एक्टिविटीज का, या वो जो मैनेजमेंट कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उन वो मैनेजमेंट जो है उन चीजों को प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कौन देखेगा? TCWG। जैसे ऑडिट कमिटी इज एन एग्जाम्पल। ओके किस चीज का एग्जाम्पल? TCWG का एग्जाम्पल। उसके बाद में ये हो गया मैनेजमेंट और ये हो गया TCWG जो क्या करता है, फंक्शंस को ओवरसाइट करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कौन कौन से मैटर है जो कि कम्युनिकेट किए जाने चाहिए TCWG के साथ में। नेक्स्ट आता है, ये हम अलग से पूरा क्वेश्चन लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बताया है कि हम आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं, कि कौन कौन से मैटर्स है जो कि एक ऑडिटर को कम्युनिकेट करने चाहिए, किसके साथ कम्युनिकेट करने चाहिए, TCWG के साथ में कम्युनिकेट करने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है ये है नेक्स्ट। इसके अंदर क्या है, जैसे ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, डिटेल में हो सकता है, समराइज्ड हो सकता है, या फिर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ओके ये सारी चीजें आती है कि कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाएगा। ओके और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके तो कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाना चाहिए उस चीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, वो होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम को लेकर, एग्जाम के लिए एक ट्रिक अगर मैं बताऊं, तो जिन भी एसेस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फैक्टर से रिलेटेड, जनरली वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है या नहीं आया है डजंट मैटर, वो जनरली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट जनरली देखे गए हैं कि फैक्टर्स को लेके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके तो यहाँ पर आप अपने को इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
ओके सो इसके बाद में ये हो गया हमारा समरी। समरी में क्या क्या पढ़ा हमने? अपन ने पढ़ा कि मैनेजमेंट कौन होता है, टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है, कौन कौन से मैटर्स है जो कि कम्युनिकेट किए जाने चाहिए ऑडिटर के द्वारा टीसीडब्ल्यूजी से, और उसके बाद पढ़ा कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा है, और उसके बाद फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन का मोड, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए, वेदर इट शुड बी रिटन, वेदर इट शुड बी ओरल, डिटेल, समराइज और स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, ओके सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद में हम शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा समरी। अब डिटेल में इस ऐसे को पढ़ते हैं। ऐसे एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ऐसे का रेफरेंस बहुत जगह पर आता है, इसलिए हम इस ऐसे को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट शुरू होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज को लेकर है? जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, डिस्कस विद रेफरेंस टू एसेज। एसेज को लेकर हमको क्या बताना है? द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद टीसीडब्ल्यूजी। एक ऑडिटर को जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑडिट करने के दौरान उसको मिलती है, वो सब चीजों को उसको क्या करना चाहिए, वो डिस्कस करनी चाहिए टीसीडब्ल्यूजी से। ओके तो वो कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है जो कि ऑडिटर डिस्कस करेगा? एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं और आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन है द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद टीसीडब्ल्यूजी। आपको ये डिस्कस करना है एसेज के रेफरेंस में। ओके तो क्या होगा इसके अंदर? देखो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स निकल कर आती है। कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स? जैसे कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी लगा रखी है, कंपनी के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से हैं, कंपनी ने प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स दिए हैं कि नहीं दिए, कि उनको लेके ऑडिटर को कभी कुछ चीजें जो है वो उसको लगता है कि ये टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट की जानी चाहिए, तो वो कम्युनिकेट करता है। उसके बाद में आता है जैसे हम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या हो सकती है? जैसे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, डिफिकल्टीज क्या होगी? मैं यहाँ पे वो डिफिकल्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि ऑडिटर जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जैसे कि ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, पता चला कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या फिर मैनेजमेंट जो है वो बोल रहा है कि ऑडिट जल्दी खत्म करो, या फिर वो बोल रहा है कि कोई जो इंफॉर्मेशन है उस मतलब वो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा है, ऐसी चीजें जो होती है ना वो चीजें होती है जो कि मानी जाती है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के रूप में। ओके सो पहला क्वेश्चन जो है वो है कम्युनिकेट करना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो कौन कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। As per SA 260, auditor should communicate all significant findings with TCWG in an audit of financial statement. Okay, auditor को जो है वो जितनी भी significant findings होती है वो communicate करनी चाहिए किससे? TCWG से। कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर वन में क्या दिया हुआ है, द ऑडिटर व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट aspects ऑफ द entity's अकाउंटिंग practices. अकाउंटिंग practices कौन कौन सी होती है? जो इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी उसके अराइज होती है ड्यूरिंग द ऑडिट, तो वो चीजें उसको डिस्कस करनी होगी टीसीडब्ल्यूजी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट जो दिया गया है, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट। ओके ऑडिटर ने कुछ मैटर्स थे वो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस किए, वो डिस्कस किए गए मैटर्स में से अगर उसको लगता है कि कुछ मैटर्स को टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, तो उन मैटर्स की बात की जा रही है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग। अगर उसको कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है टीसीडब्ल्यूजी से, तो उसको भी उसको कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म और कंटेंट को अफेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन में उसको वो क्या करना होगा, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना होगा, और एनी अदर सिग्निफिकेंट और कोई सिग्निफिकेंट मैटर अगर अराइज होता है तो वो। ओके तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या आएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हैं, उसके बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर उसको लेना हो तो, कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो कि अराइज होता है जो कि मैनेजमेंट से डिस्कस किया गया था, या ऐसा कोई सर्कमस्टांस जो कि ऑडिटर की ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट को अफेक्ट करता है, या फिर कोई अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि इसको टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, वो उस मैटर की बात कर रहा है। उसके बाद में ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाला, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है जिसको डिटेल में आपको एलोबरेट करना होगा, और ये रहा वो सेकंड क्वेश्चन। ओके तो सेकंड क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? स्टेट
डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट विद रेफरेंस टू एसए 260। वर्ड क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट की वर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। स्टेट द डिफिकल्टीज, या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो कि क्या हो रही है, जो ऑडिटर ने फेस की है ऑडिट करते समय, वो उसको डिस्कस करनी चाहिए। वो कौन कौन सी है, नीचे दी गई है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। एज पर एसए 260, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज टू टीसीडब्ल्यूजी। क्या एग्जाम्पल्स है उसके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार रीड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आईपीसीसी लेवल पर जनरली पूछे जाते हैं, न कि सीए फाइनल लेवल पर। तो एग्जाम्पल्स एक बार फास्ट देख लीजिए। सिग्निफिकेंट डिलेज इन मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर वो इन्फॉर्मेशन को क्या किया उसने, मैनेजमेंट ने डिले किया ऑडिटर को देने में। या फिर सेकंड पॉइंट इज एन अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। ऑडिटर को बोला कि नहीं ऑडिट जल्दी कंप्लीट करो, बहुत ही अननेसेसरीली एक बहुत ही कम टाइम दे रहे, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, लेकिन हमको बोल रहे कि नहीं ऑडिट को जल्दी खत्म करो। इससे क्या होएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऑडिट फास्ट करने के लिए बोलेंगे तो ऑडिटर क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेगा और उससे शायद ऑडिट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अगर ऑडिटर को अनएक्सपेक्टेड मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मतलब जो चीजें उसको इजीली मिल जानी चाहिए उसके लिए वो उसमें ज्यादा उसको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं उन एविडेंसेस को गैदर करने में। उसके बाद में आता है स्कोप लिमिटेशंस। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑडिटर के स्कोप को अगर लिमिट करता है जिससे कि ऑडिटर को लगता है कि उसका ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, तो ऐसे में ये एक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो सकती है। उसके बाद में अगर किसी तरह का मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है, या फिर उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक्सपेक्टेड है कि उसको मिलनी चाहिए, वो अगर उसको अवेलेबल नहीं करवाई जाती है, तो ऐसे केसेस में ये सारी डिफिकल्टीज हैं, जो डिफिकल्टीज के एग्जांपल्स हैं जो कि हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और ये पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट था उसी को यहाँ पे एलोबरेट किया गया है कि कौन सी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है जो कि एनकाउंटर होती है ड्यूरिंग द ऑडिट। तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, सिग्निफिकेंट डिले अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हुआ, अननेसेसरीली अगर हमको बोला कि कम टाइम में ऑडिट को पूरा करो, या फिर अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ऑडिटर को सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, या फिर उसके ऑडिटर के स्कोप को लिमिट किया जा रहा है, या फिर उस पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है, तो वो हो गया जो कि ये सारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है जो एक ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान हो सकती है। सीधा मुड़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स गवर्निंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फैक्टर्स गवर्निंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर विद टीसीडब्ल्यूजी। देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा कैसे, ओरल में कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, डिटेल में कर सकता है, समराइज फॉर्म में कर सकता है, या स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर सकता है। ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चन, वो जो हमने कहा था कि फैक्टर को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आंसर पढ़ना शुरू करते हैं। एज पर एसए 260 द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, जनरली ये वो फैक्टर्स है जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, वेदर अ डिस्कशन ऑफ मैटर विल बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ओके, अगर इसको मान लो, क्या ये वो मैटर है जिसको कि डिस्कस इंक्लूड किया जाना है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता है एसए 701 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ कौन सा है, क्योंकि उसके अंदर ये एक अलग से नया अमेंडमेंट के बाद में जो ऐसे इंक्लूड किया गया था। एक बार मैं इसका छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ, की ऑडिट मैटर्स कौन से होते हैं। की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट किए जाते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, और उनमें से जो ऑडिटर को लगता है कि ये सबसे सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो कि कंपनी या एंटिटी के शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि ये मैटर्स कौन कौन से हैं, तो वो वाले मैटर्स होते हैं की ऑडिट मैटर्स, जो कि शेयर होल्डर्स की रिपोर्ट के अंदर, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर हमको इंक्लूड करने होते हैं। तो क्या वो मैटर जो है उसको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाना है,
या फिर वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, क्या पहले ही मैनेजमेंट ने वो मैटर कम्युनिकेट कर लिया है, या फिर साइज, एंटिटी का साइज कैसा है, उसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट और लीगल स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। अगर मान लो रिटर्न कम्युनिकेशन को लेकर लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि लॉ कहता है कि आपको इस चीज को रिटर्न वे में ही, रिटर्न कम्युनिकेशन से ही आपको लेना चाहिए, तो अगर वैसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको अफेक्ट करेगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें जो हम 800 सीरीज के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पे वेदर द ऑडिटर आल्सो ऑडिट्स द एंटिटीज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऑडिटर ही जो कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है, क्या उसी ने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया है। ये वो फैक्टर है जिसके जो कि अफेक्ट करता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। उसके बाद में सिक्स पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक मीटिंग। ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी का एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह से उन्होंने पीरियोडिकली मीटिंग को अरेंज किया है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेवन आता है वेदर देर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी। अगर गवर्निंग बॉडी की जो मेंबरशिप है क्या उसमें सिग्निफिकेंटली चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो रिलेट करते हैं किससे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, कि किस तरह से ऑडिटर को क्या करना चाहिए, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ये ध्यान में रखते हुए, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको चूज करते हुए, वेदर इट शुड बी ओरल और रिटर्न, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और समराइज्ड और डिटेल्ड, उसके लिए उनको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कंपेयर एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। किसको कंपेयर और एक्सप्लेन करना है, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स वर्सेज रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। क्वेश्चन नवंबर 14 के अंदर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्या फर्क है कि हम एक शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहे हैं और क्या फर्क है कि हम टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की बात करें तो उसमें आता है कि SA 700, SA 701, 705 और 706 आर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम जब शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से मैटर, कौन कौन से ऐसे अफेक्ट करते हैं, 700, 701, 705, 706, इन्हीं को तो अप्लाई करना होता है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट, उसके बाद में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को लेकर, उसके बाद ओपिनियन किस तरह से दिया जाएगा, और ईओएम पैरा, ओएम पैरा, इन इन सब चीजों को लेकर जो है वो, जब ये सब चीजों को ध्यान में कब लाया जाता है, जब हम शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वहीं अगर मैं रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी की बात करूं तो SA 260 डील करता है किसके साथ में, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करने के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स जनरली फोकस ऑन ट्रू एंड फेयर ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर के केस में जब हम शेयर होल्डर को ऑडिटर्स रिपोर्ट देते हैं तो हमारा फोकस किस चीज पर होता है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन के ऊपर होता है। जबकि अगर हम टीसीडब्ल्यूजी की बात करें तो जनरली जो होता है वो दीज मैटर्स आर रिलेटेड टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, स्कोप, टाइमिंग एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस को लेकर, जो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट होने वाला है ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट का, उसके बाद में यही सब चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस कब डिस्कस किया जाता है, लिस्टेड कंपनी के केस में हमको सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रोविजन अप्लाई होता है। उसके बाद वो इतना रिलेवेंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना जितना इसमें लिखा हुआ है। और एक्सटर्नल रिपोर्ट एंड इश्यूड इन पब्लिक डोमेन, ओके सॉरी, एक्सटर्नल रिपोर्ट एंड इश्यूड इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, जो कि बाहर के लोगों को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह है उनको प्रोवाइड की जाती है, पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि टीसीडब्ल्यूजी को जो रिपोर्ट दी जाती है तो इट इज एन इंटरनल रिपोर्ट। ये क्या होती है, इंटरनल रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के टीसीडब्ल्यूजी से रिलेटेड है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ऐसे बिल्कुल छोटा है इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। और एक सेकंड, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, ऐसे बिल्कुल इस तरह का ऐसे है जो कि जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस ऐसे का रेफरेंस जो है वो बहुत सारे ऐसे के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते वक्त दिया जा सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है इसमें अच्छे हैं, फिर भी मैं एक बार समराइज्ड बता देता हूँ कि हमने ऐसे के अंदर क्या पढ़ा है। ऐसे के अंदर हमने पढ़ा है कि कौन कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से मैटर है जो कि ऑडिटर को डिस्कस करने चाहिए, कौन कौन से मैटर है जो डिस्कस करने चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, और उसके अलावा
हमने एक जो हमने पढ़ा था कि अगर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं या फिर हम TCWG को रिपोर्ट करते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हमने अभी पढ़ी। ठीक है, बस ये ऐसे इतना ही है, इतना आप पढ़ लीजिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहूँ या डिटेल्ड पर्सपेक्टिव से कहूँ, दोनों ही तरीके से ये वीडियो जो है वो सफिशियंट है और आपका पूरा ऐसे कवर करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय।